हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चैप्टर वन वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स गुण। वैल्यूज हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड। गुण के किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और रवैये पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दे सर्व एज ब्रॉड गाइडलाइंस इन ऑल सिचुएशंस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वे हम लोगों को दिशा निर्देशों की तरह पालन करवाते हैं गलत और सही में भेद करने में। रीड इस सिचुएशन गिवन बिलो एंड राइट द वैल्यू डिस्क्राइब हियर। नीचे दिए गए प्रत्येक परिस्थिति को पढ़िए और उनके गुणों के बारे में लिखिए। फर्स्ट, रवीना सा और पुअर फ्लावर सेलर कलेक्टिंग हिज स्कैटर्ड फ्लावर्स फ्रॉम द फुटपाथ। पीपल वॉकिंग ऑन द फुटपाथ आर स्टेप्ड ऑन सम ऑफ हिज फ्लावर्स। Ravina immediately reached to him and helped him in collecting the flowers. He is Ravina and he is the flower seller. Ravina यहाँ पे फ्लावर सेलर की मदद कर रही है फूलों को उठाने में, सो यहाँ पे मदद कर रही है। मदद की इंग्लिश हेल्प होती है, सो दिस वैल्यू इज नोन एज हेल्पफुलनेस। सो आवर आंसर इज हेल्पफुलनेस। हेल्पफुलनेस मीन्स सहायता करने वाला, सहायता करने की भावना रखने वाला। गुण। Second, Ravi broke his father's watch accidentally. Scared, he left the watch on table and left the room. After some time, he heard his father scolding his sister for breaking the watch. He went to him and told the truth. Ravi ने अपने पिता के घड़ी को अनजाने में तोड़ दिया। वह डर गया और उसने घड़ी को मेज पर रखकर कमरे को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद उसे सुनाई देता है कि उसके पिताजी उसकी बहन को घड़ी तोड़ने के लिए डांटते हैं। रवि अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सब सच बता देता है। यहाँ पर रवि ये उसकी सिस्टर एंड ही इज द फादर ऑफ देम। रवि यहाँ पर जाके अपने पापा को सब कुछ सच बता देता है कि घड़ी उसकी बहन ने नहीं, उसने तोड़ा है। तो यहाँ पर सच बताया जा रहा है। सच की इंग्लिश ट्रूथ होती है, सो दिस वैल्यू इज नोन एज ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी। थर्ड, यस इज द बेस्ट बैट्समैन इन हिज टीम। वंस बिफोर द मैच द कैप्टन ऑफ अपोनेंट टीम ऑफर्ड हिम अ बॉक्स फुल ऑफ चॉकलेट्स फॉर नॉट प्लेइंग वेल इन द मैच, बट ही रिफ्यूज द ऑफर। यस एक बैट्समैन है अपनी टीम में, यस एक बैट्समैन है बहुत ही अच्छा। एक बार मैच से पहले दूसरे टीम के कैप्टन ने उसे एक बॉक्स डिब्बा दिया जो कि पूरी तरह से चॉकलेट से भरे हुए थे और कहता है कि इसको लेकर तुम अगले मैच में अच्छे से मत खेलना। लेकिन यश ने ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहाँ पे ये यश है, ये दूसरी टीम का कैप्टन है, ये चॉकलेट दे रहा है पर यश ने यहाँ मना कर दिया है। यहाँ पर यश अपनी टीम के लिए वफादार है। वफादार मीन्स रॉयल्टी, रॉयल्टी। सो दिस प्रॉपर्टी, दिस वैल्यू इज नोन एज रॉयल्टी। Fourth, Ranjan always finishes his work on time. He has fixed the timing for all the activities he done during the day. Ranjan एक बच्चा है, वह अपने सभी कार्य के लिए समय निर्धारित कर देता है। He has fixing all the times for all his activities he done during the day. वह अपने दिन के सभी कामों के लिए समय निर्धारित कर देता है, मतलब सही समय पर सही काम करेगा। तो this is known as punctuality. Punctuality मतलब समय के हिसाब से काम करना। This वैल्यू इज नोन एज पंक्चुअलिटी। फिफ्थ, आलिया डिपोजिटेड द मनी फॉर स्कूल टोल टू हर टीचर। आलिया स्कूल यात्रा के लिए पैसे को अपने टीचर के पास जमा कर देती है। बट आउट ऑफ कन्फ्यूजन हर टीचर रिटर्न्स हर सम एक्स्ट्रा मनी। लेकिन किसी कन्फ्यूजन के कारण उनके टीचर ने उनको कुछ ज़्यादा पैसे लौटा दिए। बट आलिया रिटर्न एक्स्ट्रा मनी टू द टीचर। लेकिन आलिया ने ईमानदारी दिखाते हुए अपनी टीचर को जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पैसे थे वो लौटा दिए। यहाँ पे ईमानदारी दिखा रही है आलिया। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑनेस्टी। सिक्स, अनीता वॉज वेरी टायर्ड ऑन संडे। अनीता संडे को बहुत थकी हुई थी। बट शी डिड ऑल हर होमवर्क एंड आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर हर क्लास टेस्ट। लेकिन तब पर भी उसने अपने सभी होमवर्क को किए और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपने क्लास टेस्ट के लिए फिर से मेहनत करने लगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मीन्स अनीता अपने
परीक्षा के लिए अच्छे से मेहनत करिए, जो कि वो छकी हुई है तब भी, तो यह सिंसियरिटी की प्रॉपर्टी वैल्यू को शो करता है। सिंसियरिटी मीन्स अपने काम को गंभीरता पूर्वक लेने वाला। तो जिस प्रॉपर्टी वैल्यू इन्होंने सिंसियरिटी। आंसर इट नाउ, इफ अ पर्सन डज नॉट पनिश अदर पर्सन फॉर हिज ऑफेंस, व्हाट वैल्यू इज ही शोइंग? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी गलत काम के लिए दंड नहीं दे रहा है, तो ये किस वैल्यू को शो कर रहा है? तो दिस वैल्यू इज फॉरगिविंग, मतलब वो उसको माफ कर रहा है, फॉरगिविंग वैल्यू शो कर रहा है। सो दिस वैल्यू इज नोन एज फॉरगिवनेस। सो दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर, वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।